इसका हो, उसका भी सामने वाले का भी समझता हो। अब ये थोड़ी ना है कि मान लो मैं किसी कास्ट से हूँ और सामने वाला भी मेरी कास्ट का और वो मुझे समझता ही ना हो, तो वो तो गलत है ना। और मान नमस्कार, ग्राउंड फ्लोर में मैं अमित ढांडा आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है कुसुम गोयती। कुसुम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। कुसुम जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ भाग के शादी करती हैं उनका ये भाग के शादी करना सही है या गलत, क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, सीधी सी बात है, अगर भाग के शादी करते हैं तो वो मतलब गलत ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो मम्मी पापा इतने बड़े ही प्यार से बच्चों को 25 साल तक मतलब 25-26 जितना भी है उनको बड़ा करते हैं और ऊपर से वो इतना बड़ा धोखा दे देते हैं। अगर ये बात अलग है कि मम्मी पापा ने खुद उन्हें कहा हो कि अगर कोई लड़का तेरी नज़र में है हमें बता और फिर शादी कर, वो अलग बात है, वो मेरे मायने में सही है, क्योंकि उससे मम्मी पापा को भी ये लगता है, दुख नहीं होता है। और जिस इंसान को हम 1 साल से 2 साल से जान रहे हैं, सिर्फ उस इंसान के लिए हम अपने मम्मी पापा को जिसने हमें 25 साल तक इतना बड़ा किया, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, उनका दिल दुखाएं, कहीं ना कहीं ये गलत ही है मेरे हिसाब से। मैम, कानून में तो ये प्रावधान है कि बालिग होने के बाद अपने डिसीजन बच्चे खुद ले सकते हैं, तो एक तौर पे देखा जाए तो गलत भी नहीं है जी? ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखो अगर पहले थे राजे महाराजा हुआ करते थे तब भी शादी ऐसी होती थी, जैसे मुझे मेरे एक सर ने बताया था कि तब स्वयंवर होते थे और 10-15 राजाओं को जो माता पिता है उनके सामने लड़की के सामने ले आते थे और कहते थे कि किसी भी एक को चूज कर लो और उसके गले में वरमाला डाल दो, और वो भी कहीं ना कहीं उनकी मतलब ख्वाहिश से ही होती थी, लेकिन उसमें मम्मी पापा की ये होती थी, रजामंदी होती थी। लेकिन आजकल जो ये है 18 साल से ऊपर होके अपनी पसंद का कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपने भी देखा होगा कि 100% में से 70% दुखी ही रहते हैं। तो इसमें जैसे मामले हम बता देते हैं, कास्ट में भी अदर कास्ट में शादी कर लेते हैं, जैसे कोई किसी लड़का किसी अदर कास्ट का है, लड़की कोई अदर कास्ट की है, तो इसको आप कितना सही या गलत मानते हैं? देखिए, कास्टिज्म का तो देखो करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कोई ब्राह्मण जाट कुछ भी हो, वाल्मीकि हो, बंदा सही हो, मम्मी पापा की भी ख्वाहिश का हो, उसका भी सामने वाले का भी समझता हो। अब ये थोड़ी ना है कि मान लो मैं किसी कास्ट से हूँ और सामने वाला भी मेरी कास्ट का और वो मुझे समझता ही ना हो, तो वो तो गलत है ना। और मान लो कोई और मम्मी पापा भी किसी को जानते हो कोई अदर कास्ट का हो और वो समझता हो, वो ये लगा लो कि आजकल केसेस भी बहुत आते हैं कि मारते हैं पीटते हैं बहू को दहेज के लिए कुछ भी, तो इसलिए ठीक है। तो ठीक है या गलत है कास्टिज्म, मतलब अदर कास्ट में शादी करना अपनी कास्ट को छोड़ के, ठीक है या गलत है? मैंने ये पूछा आपसे। वो तो हर किसी की अपनी अपनी होती है, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है। मैं ये बता चुकी हूँ कि मेरे हिसाब से ये है कि बस घर वालों को ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बंदा सही रहना चाहिए, बंदे को ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी कास्ट में मैंने शादी की है तो वो मुझे दुखी रखे, और ऐसा ही कोई मामला हो कि अदर कास्ट में मैं करती हूँ उसे मुझे संतुष्ट। अगर लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं लेकिन वो दोनों खुश हैं, तो समाज को इससे क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे समाज के लोग करते हैं, इन्होंने गलत किया भाग के, मतलब ओनर किलिंग जैसे मामले हमने देखा सामने आए हैं कई, तो ये क्या राय इस पे आपकी? देखो, भाग के शादी करते हैं तो अगर वो खुश है, अगर उनकी फैमिली भी हैप्पी है मतलब ठीक है उनके, तो और कोई दूसरा समाज का, वो गलत है। देखो, जब फैमिली खुश है, वो दोनों खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दूसरा समाज का, यूँ लगा लो कि कोई पड़ोसी, कई बार मामले ऐसे ही आते हैं कि भाई घर वाले ठीक हैं, पूरी फैमिली खुश है, वो भी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन पड़ोसी बोलते रहते हैं कि भाई नहीं ये तो गलत है गलत है, वो उनकी गलत बात है। इन मुद्दों को आप मतलब इतना हाईलाइट किया जाता है, क्या कहाँ तक सही मानते हो आप इन्हें? मतलब कोई भी लड़का लड़की भागे ना, मतलब उस मुद्दे को इतना हाईलाइट बना देंगे पूरे देश में, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है जी, बिल्कुल गलत है, इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। ओ मैम, मैं लास्ट सवाल मेरा आपसे यही है कि आप मतलब लड़कों को भी और लड़कियों को भी जो ये भागने का जैसे हमने जो सवाल उठाया है, इस पर क्या राय देना चाहते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि भाग के शादी करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, प्यार मैं मानती हूँ, प्यार करते हैं, लेकिन प्यार को इतना करो कि भाई घर वाले उसके लिए सेटिस्फाई हो, घर वाले मान जाए कि भाई हाँ हमारी बेटी है या बेटा है खुश रहेगा उसके साथ, उस लड़की के साथ, उस लड़के के साथ घर, क्योंकि सबसे पहले मेरी नज़र में घर वाले हैं, मम्मी पापा है, ना कि वो लड़का जो 2 साल से 3 साल से जो भी है वो आया है। तो इसलिए भाग के शादी ना करने की बजाय एक बार अपनी फैमिली को बता देना चाहिए, क्या पता फैमिली मान जाए, क्या पता फैमिली को ये लगे कि हाँ
क्योंकि फैमिली एकदम से तो ये नहीं कहती कि भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं है, उसके बारे में जानेगी ना तभी कोई डिसीजन लेगी। धन्यवाद कुसुम जी हमसे बात करने के। तो ये थे आज हमारे साथ कुसुम गोयत जी, हमने इनसे बातचीत की लड़का और जो लड़की भाग के शादी करते हैं उनका भाग के शादी करना सही है या गलत, तो हमने इनकी राय जानी है। हम जल्दी मिलते हैं आपको किसी एक मुद्दे के साथ और किसी एक नए क्रम के साथ।